मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने और तबलीगी जमात को आतंकवाद का रास्ता बताया, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। मगर सऊदी अरब के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात दारुल उलूम देवबंद कर रहा है। दारुल उलूम देवबंद ने सऊदी अरब के इस फैसले पर कड़ी निंदा और अफसोस जाहिर की है। सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्री डॉक्टर शेख अब्दुल लतीफ बिन अजीज अल शेख ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। सऊदी अरब की मस्जिद में जुमे के नमाज के बाद तबलीगी जमात के बारे में जानकारी दी जाएगी। तबलीगी जमात इस्लाम के खिलाफ चलती है और यह आतंकवाद का दरवाजा है। सऊदी सरकार ने जमात से सावधान रहने को कहा था। सऊदी अरब सरकार ने अपने देश में बंद जेलों में आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों की जांच की थी और जेल में बंद जो ज़्यादातर आतंकवादी संगठन के लोग हैं वो पहले तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। ये जानकारी सामने आने के बाद सऊदी अरब ने ये फैसला लिया, जिसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। दारुल उलूम के तरफ से कहा गया है कि तबलीगी जमात का आतंकवादी संगठनों से कोई ताल्लुक नहीं है। तबलीगी जमात सिर्फ इस्लाम की राह पर चलने का संदेश देता है। वहीं दारुल उलूम ने यह भी कहा है, जमात के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश है। जमीयत उलमा हिंद के मुमरा कौसा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, सुनिए। मौलाना साहब, सऊदी अरब सरकार ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई और कहा कि तबलीगी जमात जो है ये आतंकवाद का एक रास्ता है, क्या कहेंगे? देखिए, तबलीगी जमात जो है तकरीबन 100 साल से अपना काम कर रही है और तबलीगी जमात के अंदर की ही वजह से मुसलमानों के अंदर दीन की बेदारी पैदा हो रही है। तबलीगी जमात के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अपना माल खर्च कर रहे हैं, अपनी कुव्वत खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, और वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम और हमारे बच्चे और हमारे कौम के लोग और भी लोग जो गलत रास्ते पे हैं वो सही रास्ते पे आ जाएं। क्योंकि तबलीगी जमात के लोग मुसलमानों में मिलते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जो बच्चा शरारत करता है, नशा करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, लापरवाही करता है, बेराह रवि पे चलता है, उन बच्चों को वो समझाते हैं और उनको दीन की तरफ लेके आते हैं और कहते हैं, भाई आप अपना अखलाक संभालो, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, अल्लाह की इबादत करो और जो हुकूक हैं इंसान के वो हुकूक को अदा करो। तबलीगी जमात का मेन काम यही है। बाकी सारे इल्ज़ाम जो लोग लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, वो सब गलत हैं। सऊदी सरकार का कहना है कि जुमे की नमाज में खुतबे में यह बताया जाए कि तबलीगी जमात किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देती है, लोगों में ऐसी जानकारी फैलाई जाए। देखिए, तबलीगी जमात के बारे में सऊदी हुकूमत को जो इत्तला मिली है वो गलत मिली है, क्योंकि सऊदी हुकूमत बताते वहाँ के जो हुक्मा हैं वो जमात वालों को जानते ही नहीं हैं। तबलीगी जमात के लोगों से अगर वो मिलेंगे तो उनको भी यही महसूस होगा कि इनके अंदर कोई किसी किस्म की कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मस्जिदों में जाते हैं, लोगों को कहते हैं चलो नमाज पढ़ो, और जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं उनको कहते हैं रोज़ा रखो, पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बन करके लोगों को दिखाओ। लेकिन सऊदी अरब को जिन लोगों ने ये बातें गलत फहमियाँ जिन लोगों ने पैदा की है सऊदी हुकाम के अंदर, ये उन लोगों की गलती है, क्योंकि तबलीग में जो लोग जाते हैं वो कहाँ दहशतगर्दी, यार हम लोग इतने दिनों से तबलीग में हैं, हम लोग आज तक देखे नहीं कि कोई तबलीग में जा रहा है और वो दहशतगर्दी कर रहा है। क्योंकि तबलीग वाले तो सियासत में भी जाने से लोगों को रोकते हैं, वो कहते हैं किसी भी सियासी पार्टी में मत जाओ, तुम अपना काम करो और अच्छे रास्ते पे चलो, लोगों को अच्छे रास्ते की तरफ बुलाओ और लोगों को सही रास्ते पे चलने के लिए काम करो। ये तो सऊदी ये तबलीगी जमात का यही मौकिफ है। अच्छा, देवबंद दारुल उलूम में भी कभी इस तरह की जो खबरें सामने आई थी कि यहाँ भी जो है कुछ पाबंदी लगाने की बात सामने आई थी खबरों के मुताबिक, क्या हुआ था ऐसा? नहीं, दारुल उलूम देवबंद तो खुद तबलीगी जमात ही के कबील से है। वहाँ पे थोड़े दिन पहले जब ये
तबलीगी जमात के अंदर कुछ बातें हो गई थीं, तो बच्चे आपस में कुछ हुज्जतबाजी कर रहे थे कि शूरा सही है, अमारत सही है। तो और इम्तिहान का वक्त था, दारुलूम देवबंद के अंदर पढ़ाई जोर शोर पे चल रही थी, बच्चे मेहनत कर रहे थे। उसमें शायद मुहतमिम साहब को शिकायत मिली या नाज़िम तालीमात को शिकायत मिली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो नाज़िम तालीमात ने ये कहा था कि भाई इम्तिहान जब तक चालू है तब तक खूब मेहनत से आप लोग पढ़ो, और तबलीग का काम जो मदरसे में आप लोग कर रहे हो और झगड़ा कर रहे हो ये सब बंद कर दो। सिर्फ बच्चों को ताकीद किया था मोहतमिम साहब ने, किसी भी तरह का ऐसा बैन नहीं लगाया गया, ऐसा कोई बैन न लगाया गया था, न लगाने वाले हैं, न कभी इंशाल्लाह लगाएंगे, क्योंकि ये तो बरहक जमात है। मौलाना साहब, क्या लग रहा है आपको कि सऊदी सरकार को इस पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है? देखिए, जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम, जो सदर जमीयतुल उलमा हिंद हैं, उन्होंने सऊदी सफ़ीर को एक ज़बरदस्त लेटर दिया है और उसमें लिखा है कि आप जो ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात की वजह से दहशतगर्दी पैदा होती है और शिरक व बिदअत पैदा होती है, ये सरासर गलत है। आप अपने इस फैसले पे नज़र सानी कीजिए और फिर से गौर फिक्र कीजिए और हमें जवाब दीजिए। सऊदी के सफ़ीर माशाल्लाह हजरत को बेहतरीन उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा बहुत ही खुश उसलूबी के साथ कि हजरत हम आपके पैगामात को अपनी हुकूमत तक पहुंचाएंगे और जो बात हक है हम उसी हक बात को करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमको गलतफहमी हुई है तो गलतफहमी भी हम दूर करेंगे।